हेलो दोस्तों, जाल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज अपने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और पिछला वीडियो हमारा था वो अभी ऐप बैन पे ही था, जिसमें कि 59 ऐप जो है भारत सरकार के द्वारा चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। लेकिन आज जो है हमारा न्यूज उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हुआ क्या है, इंडियन आर्मी ने 59 से बढ़ के 89 ऐप को जो है बैन कर दिया है। यानी कि 89 ऐप सिर्फ चाइनीज ऐप नहीं है, इसमें इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप, चैटिंग ऐप और भी जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज ऐप भी इसमें इंक्लूड है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आखिर क्या कारण हुआ कि भारतीय सेना को भी ऐसा कदम उठाना पड़ा, जब हम जानते हैं कि चीन के साथ हमारा झड़प बना हुआ है और भी काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाता रहूँ। आई होप आप इतना ज़रूर करोगे। आइए तो फिर हमें शुरू करता हूँ। जैसे कि हाल ही में न्यूज मिला था, भारत सरकार के द्वारा 89 ऐप जो है बैन कर दिए गए थे। उसके बाद न्यूज आ रही है भारतीय सेना ने 89 ऐप बैन कर दिए हैं। सेना जो है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। अब भारतीय सैनिक भी अपने स्मार्टफोन से सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। सरकार ने जिन चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया था उनमें टिकटॉक, हेलो कैम, स्कैनर तो था ही। और यहाँ पे जो है सेना ने उन्हें यह कहा है कि जो भी ऐप उनके मोबाइल में मौजूद हैं जो कि भारत सरकार ने बैन किए हैं उसको तुरंत जो है अनइंस्टॉल कर दें। ठीक है, उसको अनइंस्टॉल कर दें। और उसके साथ ही साथ चैटिंग ऐप, सोशल मीडिया ऐप और कुछ न्यूज ऐप जो है उससे भी, जैसे कि डेली हंट जैसे न्यूज चैनल जो है उससे भी अनइंस्टॉल कर दें। यह क्यों किया गया है, यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ है। अब हम देख लेते हैं, पिछले दिनों हुए गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों, चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने 59 ऐप को प्रतिबंध कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने भी सुरक्षा के लिहाज से इसी तरह के फैसले लिए हैं। अब जो है सेना ने 89 ऐप पे जो बैन लगाया है, भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अपने स्मार्टफोन से फेसबुक, टिकटॉक, आप देख सकते हो फेसबुक, टिकटॉक तो ठीक है चैनल, लेकिन फेसबुक जो है यूनाइटेड नेशन यानी कि USA बेस्ड कंपनी है, ऐसा आपको पता ही होगा। फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर जिसका उपयोग हम किसी के भी नंबर जानने के लिए करते हैं, इंस्टाग्राम, ये भी फेसबुक की ही एक सहायक कंपनी है, सहित 89 ऐप हटाने के लिए कहा है। भारतीय सेना के मुताबिक सेना के जवानों को हाल ही में जारी किए गए निर्देश में डेली हंट, देख सकते हो आप, डेली हंट जो है न्यूज, एक न्यूज ऐप है, उसे भी यहाँ पर हाईलाइट किया है। डेली हंट न्यूज ऐप के साथ टिंडर जो है आप इसके बारे में यूज करते हो जानते हो गए, यह जो है एक चैटिंग ऐप है। ठीक है, काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग ऐप, ठीक है, टिंडर और काउच सर्फिंग एक डेटिंग ऐप है। और गेम्स में पबजी को भी हटाने के लिए कहा गया है। सेना की तरफ से इन सभी ऐप के लिए एक प्रतिबंधित नोट जारी की गई है। देखिए होता क्या है, इन सभी चीज़ को ऐप करने का, पहली बात तो चाइनीज ऐप को बैन किया गया इसलिए कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि चाइनीज लोग जो है उस जो डेटा है भारत का वो अपने सरकार के साथ साझा कर सकती है, और उन सारे डेटा के साथ या फिर उन सारे सोशल मीडिया के साथ, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म होती है जिससे कि कोई भी न्यूज जो है लीक हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा अगर अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा इससे बुराई भी है। अगर दूसरा देश जो है इन सभी जो है चीज़ों का सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए कर सकते हैं, जातिवाद फैलाने के लिए कर सकते हैं, अपना कुछ ना कुछ एजेंडा जो है गलत न्यूज, फेक न्यूज को चला करके कर सकते हैं, इसमें नो डाउट।
तो ये जो है 59 ऐप हमारे देश के लिए तो था ही, अब हम सेना जो है उन्हें भी ऐप जो है वह बैन कर दिया गया है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि सेना को जो है ऐसा क्यों किया गया। पहली बात तो सेना का जो डिटेल है उसको हैक किया जा सकता है, लेकिन US बेस्ड, जैसा कि यहाँ देख सकते हो आप, फेसबुक जो है, फेसबुक एक US बेस्ड है। और यहाँ पे एक दो चीज़ को आप ध्यान से देखो, एक टिंडर, एक काउच सर्फिंग, ये सभी जो है डेटिंग ऐप है, ये सभी जो है डेटिंग ऐप है। और ये डेटिंग ऐप का जो प्रयोग जो है, अगर आपने ध्यान, अगर न्यूज़ अगर आप डेली देखते हो तो आपने ये न्यूज़ सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि पाकिस्तान वाले हो या फिर चाइनीज वाले हो, और डेटिंग ऐप की तरह जो है के द्वारा सैनिकों को बहलाने फुसलाने का कार्य करते हैं डेटिंग ऐप के जरिए। इससे हमारे कुछ जो है जवान इस जो है चक्कर में फंस भी गए थे। तो ये जो है मुख्य कारण था डेटिंग ऐप को बैन करने का। और दूसरा जो कारण यह है कि काफ़ी ज़्यादा जो जैसे टिकटॉक वगैरह जो है बैन कर देने के बाद भी मोबाइल में जो है नया तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन पुराना ऐप जहाँ तक हो आपके मोबाइल में यूज हो सकता है। तो वो पुराना ऐप को भी जो है अनइंस्टॉल करने का निर्देश बड़ी सख्ती से भारतीय सेना को दिया गया है। आखिर उनके ऊपर हमारे देश की सुरक्षा का कमान है। और बहलाना फुसलाना जो पाकिस्तानियों के द्वारा, चाइनीज के द्वारा होता रहता है, वहाँ के फेक ID बना करके, जैसा कि हाल फिलहाल में एक फेक जो न्यूज़ चलाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, एक फेक ID बना करके यह कहा गया था कि भारतीयों को जो है अरब के देशों में बहुत ज़्यादा जो है उससे रिलेटेड काफ़ी फेक न्यूज आ रहे थे मीडिया में। तो ये जो है फेक जो ID बना करके फेक कार्य करने का कार्य जो है डेटिंग ऐप और सोशल मीडिया के द्वारा भारतीय सेना के ऊपर बहुत दिनों से किया जा रहा है। इस बात को हमारे सेना के बड़े अधिकारी भी जानते हैं और न्यूज में भी ये कभी कभी आ ही जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे सेना में होता रहा है। इसी के लिए हमारे सैनिक के लिए सुरक्षा के लिहाज से ये जो फेक चीज़ में ना फंसने के लिए हमारे जो बड़े अधिकारियों के द्वारा ये जो है 89 ऐप पर बैन लगाया गया है। अब हमारा लास्ट जो है ये है कि समय सीमा भी इसके लिए निर्धारित कर दी गई है। ये नहीं कि बिना कोई शर्त के, बिना कोई टाइम के, ऐसा है, बड़ी ही सख्त जो है कार्रवाई की गई है, जो मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा सही न्यूज है। जैसे कि भारतीय जवानों के लिए हाल ही में जारी किए गए निर्देश में डेली हजार जैसे समाचार ऐप के साथ टिंडर का हाउस सर्फिंग डेटा ऐप हटाने के लिए एक समय बांध दिया गया है, जिसका कि लास्ट डेट है 15 जुलाई तक। यानी कि 15 जुलाई तक जो है आपको इन सभी ऐप को हटा देना है फ़ोन से, ताकि सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। तो ये था इम्पॉर्टेंट न्यूज। अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, और भी अच्छे अच्छे न्यूज़ आपके लिए मैं बना कर लेते आऊँगा। तो बने रहे 4 स्टडी सेंटर के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद।